हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले 2018 की तेलुगु पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म ऑपरेशन 2019 का, जिसको हिंदी डब वर्जन में नाम दिया एमएलए नंबर वन। इस मूवी को डायरेक्ट किया है कर्णब बाबजी ने। मूवी के लीड रोल में श्रीकांत, मनोज मंचू, दीक्षा पंत और सुनील। तो चलिए बात करते हैं मूवी की स्टोरी की। उमा शंकर यानी कि श्रीकांत, जो एक NRI है और वो अपने गाँव के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, इसलिए वो अपने गाँव में वापस आते हैं और अपने गांव के जाने माने व्यक्ति को इलेक्शन में उम्मीदवार के तौर पे खड़े करते हैं। लेकिन उनकी बुरी किस्मत, उनका कैंडिडेट इलेक्शन हार जाता है और ये सब चीज़ें उमा शंकर के प्लान के मुताबिक नहीं जाती है और वो गुस्से में दूसरी पार्टी के विनिंग कैंडिडेट को थप्पड़ मार देते हैं और इस क्राइम के चलते उन्हें 1 साल की सजा हो जाती है। जेल से बाहर निकलने के बाद उमा शंकर बदला लेने के बारे में सोचते हैं और अपकमिंग इलेक्शन में MLA बनने के लिए वो सभी तरह के रास्ते आजमाते हैं। आखिर में उमा शंकर का मिशन क्या है और उन्हें सत्ता की इतनी लालच या भूख क्यों है और उन्होंने सत्ता यानी कि पावर का इस्तेमाल करके क्या क्या किया है, वो सब जानने के लिए आपको ये पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। ये तो हुई मूवी की स्टोरी। तो चलिए बात करते हैं मूवी के प्लस पॉइंट्स की। श्रीकांत फिल्म की जान है और एक क्लेवर पॉलिटिशियन के रूप में उन्होंने एक शानदार परफॉर्मेंस दी हुई है। उनका ये परफॉर्मेंस उनकी करियर का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस साबित हुआ है और वो पूरी फिल्म को अकेले ही बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाते रहते हैं। फिल्म में सीरियस सीन हो चाहे पॉलिटिकल सीन्स हो, सभी सीन में उनका परफॉर्मेंस टॉप नॉच पे रहा है। श्रीकांत पूरी फिल्म में बहुत प्रभावशाली दिख रहे थे। फिल्म में कंट्री के करंट पॉलिटिशियन सिनेरियो को बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है। प्री इंटरवल सीन्स को अच्छी तरह से नेरेट किया हुआ है। पोसानी कृष्णा मुरली अपने कैरेक्टर में इफेक्टिव नजर आ रहे थे और दीक्षा पंत, जिन्होंने अपना रोल बखूबी निभाया हुआ है। ये तो हुए मूवी के प्लस पॉइंट्स। तो चलिए बात करते हैं मूवी के माइनस पॉइंट्स की। डायरेक्टर करण बाबजी ने फिल्म का प्लॉट अच्छा चूज किया था, लेकिन एग्जीक्यूशन में थोड़ी कमी नजर आती है। उन्होंने फिल्म को इंटरेस्टिंग तरीके से स्टार्ट किया था और पॉलिटिकल थ्रिलर टेम्पो को भी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था, लेकिन धीरे धीरे नरेशन थोड़ा कमजोर होता गया और उस वजह से सभी इंटरेस्टिंग पॉइंट उतने इफेक्टिव नहीं रहे। श्रीकांत का फ्लैशबैक थोड़ा ज्यादा निराश और फिल्म के फ्लो को डिस्टर्ब करता है। फिर भी फिल्म का इंटरवल ब्लॉक थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट करेगा, लेकिन इंटरवल के बाद फिर से चीजें थोड़ी कमजोर नजर आती है और आपको फिल्म से इंटरेस्ट उतना नहीं रहेगा। फिल्म में मनोज मंचू और सुनील का एक केमियो अपीयरेंस है, लेकिन उनका केमियो किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर पाता है। फिल्म में आपको काफी अननेसेसरी और सिली सीन्स देखने को मिलेंगे जो फिल्म को थोड़े ज्यादा खराब कर रहे थे। ये तो है मूवी के माइनस पॉइंट्स। तो चलिए बात करते हैं मूवी के टेक्निकल पॉइंट्स की। फिल्म का कैमरा वर्क अच्छा था। पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर को अच्छी तरह से डिजाइन करके दिखाया हुआ है। फिल्म की एडिटिंग डिसेंट है और बैकग्राउंड स्कोर ठीक ठाक किया हुआ है। फिल्म के डायरेक्टर यानी कि कर्णब बाबजी, उनका नरेशन बहुत ज्यादा कमजोर था, जिसकी वजह से वो फिल्म में किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर पाते। इन लॉजिकल और सिली नरेशंस की वजह से डायरेक्टर ने अच्छी खासी बढ़िया स्क्रिप्ट को कबाड़ा करके रख दिया है। इस स्क्रिप्ट के साथ वो एक शानदार फिल्म बना सकते थे, लेकिन वो पूरी तरह इसे चूक गए। ये तो है मूवी के टेक्निकल पॉइंट्स। तो चलिए बात करते हैं मूवी के फाइनल वर्डिक्ट की। कुल मिला के कहे तो ऑपरेशन 2019 यानी कि MLA नंबर वन एक डल पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म है, जिसकी प्रोसीडिंग में बेसिक पंच का अभाव था। बोरिंग नरेशन, अनएंगेजिंग ट्विस्ट और सॉडी स्क्रीन प्ले फिल्म को कुछ टाइम में ही पूरी तरह से नीचे ले आता है। श्रीकांत का इंप्रेसिव परफॉर्मेंस छोड़कर फिल्म के पास दूसरा कुछ खास नहीं है। तो मैं इस पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म ऑपरेशन 2019 यानी कि MLA नंबर वन को 5 में से 2.7 स्टार की रेटिंग देता हूँ। अगर आपको ये फिल्म देखनी है तो आप सिर्फ श्रीकांत के शानदार परफॉर्मेंस के लिए देख सकते हो। उसके अलावा इस फिल्म में आपको कुछ भी खास देखने को नहीं मिलने वाला। डायरेक्टर ने एक अच्छी स्क्रिप्ट को अपने नरेशन से पूरी तरह से वेस्ट कर दिया है। तो आज के रिव्यू में इतना ही था। तो आज का हमारा ये रिव्यू आपको कैसा लगा? अगर आप ये मूवी देखते हो तो मूवी देखने के बाद हमें कमेंट करो कि आपको ये मूवी कैसी लगी। तो और भी ऐसे साउथ इंडियन मूवी के हिंदी रिव्यू के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।